हाय फ्रेंड्स, मेरे पास आपके लिए बहुत सारी खुशखबरियां हैं। पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंचाइज से। फ्रेंचाइजर जो हमारे बॉस बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अपनी फ्रेंचाइज ऑल ओवर इंडिया दे रहे हो, जिसमें फीड सप्लीमेंट एक्सेसरी तो है ही, साथ में पेट सेलिंग की सुविधा भी होनी चाहिए। तो फ्रेंड, बकायदा इंडियन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको वो सुविधा दे दी गई है। तो एक बार दोबारा आपको कॉल करनी है हमारे फ्रेंचाइज मैनेजर से फॉर मोर डिटेल। जहां भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो देखिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी कुछ खबरी, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, अगर अपना डॉग विद माइक्रोचिप रजिस्टर करवाना चाहते हो तो हम वो ऑफर भी आपके लिए लेकर आए हैं। आपका बकायदा डॉग का कार्ड बनाया जाएगा, उसमें आपको अलग अलग हमारे ऑफर्स मिलेंगे। हम ऑल ओवर इंडिया डॉग शो कराने वाले हैं, उसमें भी आप अपने डॉग का एसेस कर सकते हो। आप अपने डॉग का डिजिटली हेल्थ कार्ड, वैक्सीनेशन कार्ड भी बना सकते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर डिटेल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है माय फ्रेंड, वो वीडियो जरूर देखिए, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आगे से पेट क्या पकड़ो, पेट क्या है, टाइट पकड़ो, पकड़ लो आराम से। क्या है वो पेमेंट? एवरीवन, मैं प्रियंका सिंह हूँ मुंबई से। मैं अभी मेरे दो दिन पहले मेरी फॉर्म ने डिलीवरी की है, तो मैं उसका छोटा सा वीडियो शेयर कर रही हूँ। और ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर डिलीवरी के टाइम पे बच्चा स्टक हो तो उस वक्त कैसे उसको निकाला जाता है और क्या करना चाहिए। इसका भी फर्स्ट बेबी निकल गया था, लेकिन सेकेंड बेबी फाइव टू सिक्स आवर्स स्टक था, वो निकल ही नहीं पा रहा था और ना ही ये प्रेशर दे पा रही थी। तो बाद में प्रेशर देके इसने ऑलमोस्ट 6 आवर्स के बाद निकाला, लेकिन वो जब वो बेबी बाहर आया तो वो ठीक से नॉर्मली ब्रीथ नहीं कर पा रहा था। उसको मुंह में हम लोग ने ऑक्सीजन दिया, फिर भी उसका बैक रब किया, उसके बाद उसको ऑलमोस्ट 10 to 15 minutes लगे नॉर्मली आने के लिए। वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था, उसको नॉर्मल होने के लिए टाइम लगता है। उसके बाद जब मैंने उसको मिल्क दिया, इसकी मदर का मिल्क दिया, मदर के पास रखा, मदर का मिल्क पिलाने के बाद वो ठीक से थोड़ा नॉर्मल हुआ, थोड़ा एक्टिव हुआ। आप देख सकते हो,
ये पप्पी स्टक था, ऑलमोस्ट 5 to 6 hours स्टक था और ये बाहर आने के बाद ब्रीथ नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी ये बहुत एक्टिव है और ये इसका अच्छे से केयर करिए। बहुत एक्टिव भी है और नॉर्मली ब्रीथ भी कर पा रहा है, आप देख सकते हो इसको। कुछ अगर इसको अगर ये ब्रीथ नहीं कर पा रहा था, हल्के से इसका बैक रब करो ताकि इसका बॉडी हीट हो और वो नॉर्मली ब्रीथ कर सके। उसको नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसका बैक रब किया हल्के से तो वो धीरे धीरे नॉर्मल हो सकता है। थैंक यू। पूरा पूरा तीन है।